हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो अपने स्टडी रूम में चलते हैं। मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम है, राजस्थान पात्रता परीक्षा का। तो मैं उसमें अपीयर होने जा रही हूँ। आज से आपको डेली रीट के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स मिलेंगे। अगर आप लोग रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज योर सपोर्ट गिव्स मी ए लॉट ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन एनर्जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना मनोविज्ञान का यानी CDP का और इंग्लिश का सिलेबस देख चुकी हूँ और मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और सबसे पहले मैं मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ। मनोविज्ञान में मैं आज फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाली हूँ, देखती हूँ कितनी हो पाती है। यहाँ सबसे पहले मैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में पढ़ रही हूँ कि किसने उसको आत्मा का अध्ययन बताया, किसने चेतना का अध्ययन बताया, किसने मन का अध्ययन बताया, ये सब मैं रीड कर रही हूँ। आप लोग जो ये नोट्स देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम मैंने रीट के एग्ज़ाम में प्रिपेयर किए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो अभी मेरे पास 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो मेरे पास लगभग 20 डेज बचे हुए हैं और इसमें मुझे इतना प्रिपेयर करना है कि मैं आराम से 100 मार्क्स ले पाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। 10:30 का टाइम हो चुका है और अब मैंने अपनी स्टडी को बंद करके घर के कामों में लग गई हूँ। घर के कामों से फ्री होने और नहाने धोने में मुझे 1:30 का टाइम हो गया और अब मैं अपने टारगेट देखती हूँ कि मैंने आज क्या क्या रीड कर लिया है। दोपहर में मैं SST का रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मैं गौरव सर की क्लासेस से कर रही हूँ। आप लोग भी अगर रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर SST के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। SST में मैं आज 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ, भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप का टॉपिक कवर हो चुका है और अब बच्चा स्कूल से आ गया है, इसलिए मुझे उसको भी देखना होता है। एंड देन रेस्ट करने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। अब मैंने ज्वालामुखी टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और मैं फटाफट उसके नोट्स बना रही हूँ। इस नोट्स को पढ़ने के बाद मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। वैसे तो मैंने ये टॉपिक पहले NCERT से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इन क्लासेस को करने से मेरा अच्छे से रिवीजन हो पा रहा है। अब मैं आपसे नाइट को मिल रही हूँ, बेटे को सुला चुकी हूँ और टाइम हो गया है 10 बजे। अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश अभी नहीं पढ़ी है। SST और मनोविज्ञान मेरा हो चुका है। इंग्लिश में मैंने टारगेट तो 2 टॉपिक्स का लिया था, लिंकिंग डिवाइस और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, लेकिन मैं सिर्फ लिंकिंग डिवाइस ही आज कवर कर पाऊंगी। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट को मैं कल करूंगी। लिंकिंग डिवाइस को कंजक्शन भी बोलते हैं। आज मैं सिर्फ टॉपिक रीड कर रही हूँ, कल मैं इस टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करूँगी। देन मैंने हिंदी का एक टॉपिक उठाया है, संज्ञा, जो कि हमने पहले काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवीजन तो करना ही है, तो अब इसलिए फटाफट इसका रिवीजन कर लेती हूँ। आप लोगों की रीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब स्टडी करते करते मुझे लगभग 11:15 का टाइम हो गया। एंड देन आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।